अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनसब अली है। मैं शिरकत का जिस तरह की मेरा जो फीडबैक है वो देना चाहता हूँ कि जिस तरह से शिरकत गाह ने हमें मुख्तलिफ सेशन से आगाह किया है, वैसे तो मैं शिरकत का शुक्रगुजार हूँ कि हमें मुख्तलिफ सेशन देकर हमें आगाह किया। हमें मालूम नहीं था कि जो ना कम उम्र के क्या नुकसान आते हैं तोलीदी से आते हैं और हकूक के हकायक हैं, जिस तरह से जो ना तोलीदी से आते तो कम उम्र के क्या क्या नुकसान आते हैं वो हमें नहीं था मालूम। शिरकत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें मुख्तलिफ सेशन देकर हमें आगाह किया और जिस तरह से हमने अपने एरिया में मुख्तलिफ एरियाज सेलेक्ट किए हैं जिसमें हमने सेशन वगैरह करवाए, बर्थ रजिस्ट्रेशन था और इसके अलावा काफ़ी कम उम्र के तोली सेहत के हवाले से सेशन करवाए और इतना उनसे जो फीडबैक हमने लिया है तो मालूम ये हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि आपका जना जो थिएटर है वो काफ़ी जना बेहतरीन रहा है और लोगों ने काफ़ी हमें अप्रिशिएट भी किया है थिएटर के हवाले से। तो लोगों का यही कहना है कि आप इस एरिया के अलावा और काफ़ी और जो एरिया हैं विलेजेस हैं आप उसमें जाकर थिएटर वगैरह सेशन वगैरह करवाएं। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है कि हम तो कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने अमन दो के हवाले से एक कैंपेन चलाई थी हमने अपनी मदद आपके तहत हम रोडों पे निकले थे और सोशल साइट पे भी हमने काफ़ी वगैरह कैंपेन वगैरह चलाई थी। इस तरह तो हम वैसे कम उम्र के हवाले से तो जो हम रकूक है अकाय के और वो हम कर सकते हैं और जो लोग जो कम्युनिटी में विलेजेस में जो लोग हैं हम उनको किस तरह से हम अवेयरनेस कर सकते हैं ना, तो उसमें हमें चाहिए कि हमें जो ना मुख्तलिफ सेशन वगैरह दिए जाएँ ताकि हम आगे जाकर कम्युनिटी में सेशन वगैरह करवा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो जिस तरह से मेरी जो सोच थी वो ये थी कि जो ना जो तौलीद सेहत है कम उम्र के हवाले से मैंने कहा ये चीज़ें निगेटिव हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब सेशन वगैरह देकर सेशन वगैरह लेकर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी अपनी यूथ कार्ड में अपनी मेरी सिस्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ कि उन्हें जो ना मालूमात होनी चाहिए इस बारे में कि कम उम्र के क्या क्या नुकसान हैं और इसके अलावा तो लीद सेहत क्या है और आपने ये चीज़ें बंदे को आगे जाकर काम देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करेंगे जिस तरह से ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है कि हम सोशल साइट से हम लोग कैंपेन चला सकते हैं अपनी मदद आपके तहत। हम तो एज आ वॉलंटियरली एनुमिनेटर भी मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछली बार में गया था इसके हवाले से मैं वुमेन एनएससी वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन में मेरा मैं एज आ एनुमिनेटर काम कर रहा था जिसमें मैं एक विलेज में गया तो एक मुझे याद एक लड़की के पेट में बच्चा था और एक बच्चा उसके हाथ में और एक बच्चा उसके पेट में था तो उसकी उम्र काफ़ी कम थी तो मैंने उसके मालूम किया कि आप शादीशुदा है तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल देखिए मेरे पेट में बच्चा मैं शादीशुदा हूँ। तब मैंने उसकी अम्मी से जाकर बात की तो उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं इससे क्या होता है ये कौन सा हमें कुछ हुआ था जो इन्हें कुछ होगा। काफ़ी देर तक जाने के बाद मालूम होने के बाद उन्होंने कहा था कि वाकई इसका जो बच्चा था वो पहले भी गिर चुका था और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नहीं आप इसका नाम लिख लें आप नादरा में जाकर इनका CNIC कार्ड बनवा लें। मैंने कहा नादरा वाले इन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे वो काफ़ी छोटी लग रही हैं चेहरे से। जब मैं नहीं उन्होंने काफ़ी फोर्स करने के बाद बिल्कुल उनकी अम्मी आ गई मेरे कहने के बाद उन्होंने कहा कि आप जाएँ नादरा आप ले जाएँ बच्ची को आप शनाख्ती कार्ड बनाएं। मैंने कहा ठीक है मैं ले जाता हूँ अगर बाद आप उसको उनको अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जब मैं उसको नादरा लेकर गया तो उन्होंने उनको कम उम्र का कहकर छोटी उम्र का कहकर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तब मैंने उसकी अम्मी से बात की तो उसकी अम्मी नाशोरी की वजह से उन्होंने हमें मुझे इग्नोर कर लिया। इग्नोर करने के बाद काफ़ी उसके अलावा उसका जो चाचू था लड़की का तो जो उसके अलवाल किया तो उन्होंने हमसे मुझसे अलवाल किया कि उसकी जो ना पहले भी शादी जो पहले उसका एक बच्चा हो चुका था जो उसका बच्चा पेट में ही उसकी डेथ हो गई थी ना। और इसके अलावा उसके चाचा ने कहा कि मेरी अपनी एक बेटी की शादी जो अगले हफ्ते हो रही थी अब मैं कैंसिल करवा के अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट ईयर में करना चाहता हूँ। और यही था शिरकत गाह की वजह से हमें जिस तरह से शऊर दिए गए जिस तरह से हमें मालूमात दिए गए हमने जाकर कम्युनिटी में आगाही दी और अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा है तो हम तो यही कर सकते हैं कि हम जो ना मुख्तलिफ सेशन वगैरह जिस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं तो अगर देखते हैं कि अगर उसमें अगर कोई कम उम्र की शादी हुई है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमें हम लीडर बने हैं हमारा जो हक है हमारा जो हमने जो काम किया है वो जाकर हम कम्युनिटी में उनको आगाही दे सकते हैं। और हम कर सकते हैं ये कि हम उसके सोशल साइट पर भी हम लोग आगाही दे सकते हैं उन लोगों को।
کم عمری ایک ایسی چیز ہے جو ختم تو نہیں ہو سکتی ہے. الحمدللہ اگر ہمیں مختلف سیشن وغیرہ دیے جائیں, اگر ہمیں آپ میں اگر ہمیں پروجیکٹ نہیں مل رہے ہیں, اگر سیشن دیے جائیں, چھوٹے چھوٹے سیشن اگر ہمیں دیے جائیں جو ہم جا کر مختلف ولیجز میں اور ان لوگوں میں ہم لوگ سیشن کر سکیں جن میں نا شعوری زیادہ ہے. اور ویسے شرکت گاہ کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بے انتہا جو نا ہمیں نالج دی, ہمیں آگاہ کیا. تھینک یو, شکریہ.